नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मां हीराबेन मोदी को समर्पित एक सेक्शन बनाया गया है। इसमें हीराबाई के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटो, वीडियो और उनकी सीखों को शामिल किया गया है। वहीं इसमें चार अलग सेक्शन बनाए गए हैं। इसमें हीराबा की पब्लिक लाइफ, देश की यादों में हीराबा के निधन पर दुनिया भर के नेताओं के शोक संदेश और मातृत्व को सेलिब्रेट करने के लिए टेम्पलेट दिया गया है। नौकरी के बदले जमीन केस में प्रवर्तन निदेशालय के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा और आज ऑफिस आने के लिए कहा। इससे पहले 4 फरवरी को भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है। ईडी की रेड के बाद उनकी पत्नी को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे गर्भवती हैं। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से वे बेहोश हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बजट का यह वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित है। हम कौशल जैसे क्षेत्रों में जितना अव्वल होंगे, हमें उतनी सफलता मिलेगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। इसकी वजह से मैं अपने ही घर में डर कर रहती थी। वो बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सर दीवार से लड़ा देते थे। डर की वजह से मैंने कई रातें तो बिस्तर के नीचे छिपकर बिताई है। स्वाति ने शनिवार को दिल्ली में DCW अवार्ड्स कार्यक्रम के दौरान अपना दर्द बयां किया था। पंजाब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आय से अधिक मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पूर्व सीएम चन्नी एक धार्मिक कार्यक्रम में विदेश कैलिफोर्निया जाने वाले थे, लेकिन विजिलेंस की तरह से LOC जारी होने के बाद अब चन्नी ने खुद ही विदेश जाने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कथित आबकारी घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज एक बार फिर ट्वीट हुआ है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही हैं। हालांकि ट्वीट में साहेब शब्द का उपयोग किया गया है। सिसोदिया के अकाउंट से ट्वीट किया हुआ है, साहेब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट मिलने के बाद भी पुलिस ने दोबारा फार्म हाउस का दौरा किया। पुलिस वहां के CCTV को खंगाल रही है और गेस्ट लिस्ट की जांच भी जारी है। शनिवार को दिल्ली के फार्म हाउस पहुंची थी। कौशिक मौत से एक दिन पहले यहीं होली पार्टी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को फार्म हाउस की तलाशी में कुछ दवाइयां मिली थी। पुलिस फार्म हाउस के मालिक से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह फरार है। दक्षिण भारत अभी भयंकर बारिश से उभरा ही था कि भीषण गर्मी की चपेट में आ गया। केरल के कुछ इलाकों में तापमान बेशक 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच है, लेकिन हीट इंडेक्स 54 डिग्री तक पहुंच गया है। हीट इंडेक्स इंसान को महसूस होने वाली गर्मी को दर्शाता है। केरल में अभी वायुमंडलीय तापमान और हवाओं की नमी का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी है। उसी गर्मी को हीट इंडेक्स के जरिए मापा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने कहा कि खेती के लिए गोबर और गौमूत्र आधारित फॉर्मेशन इस्तेमाल किया जाना चाहिए, साथ ही वित्तीय सहायता के जरिए गौशालाओं को मदद दी जानी चाहिए। ये रिपोर्ट आयोग के सदस्य रमेश चंद ने जारी की है। उन्होंने कहा कि साउथ एशियन एग्रीकल्चर की अनूठी ताकत फसलों के साथ पशुधन में मर्ज है।
पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के विधायक और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया है कि नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें एक महीने में जेल भेजने की धमकी दी है। भौमिक ने कहा कि हम विधानसभा में चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान अधिकारी ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी। वहीं पार्थ भौमिक के आरोपों पर सुवेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि वह मेरे बराबर के नहीं है, इसलिए वह उनके आरोपों का जवाब नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।